नोट छपा हेउथला यूपी रो मद्रासारे आउ लिंक थला ओडिसा रो मद्रासारे चाली थला नोट छपा आउ एहा भितरे केही भी जानी न थिले जे मद्रासा भली एक स्कूल रे किभली भाबरे फेक नोट करेंसी रो काम चलीछि आउ जहा को नै एबे ओडिसा लिंक सामना को आछि यूपी मद्रासा रे छपा जाउथबा 100 टंकिया जाल नोट पछरे धरा पड़ीथबा मास्टरमाइंड हेउछि बासुदेवपुर रो। मैं भी सुना हूँ, जो जिस दिन मामला हुआ उसका दूसरा दिन मैंने खबर पाके मैं तो और जानता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर रहता हूँ और कैसे क्या हुआ मैं तो जानता नहीं, लेकिन खबर पाया वो जिस रूम में रहता था उस रूम से पैसा जो करते हैं उसका मशीन और कुछ पैसा मिला है, पुलिस उसको कस्टडी में लिया है और वो कैसे किया कहाँ किया और उसके साथ में कौन कौन है क्या सोचो कौन क्या है ये कार्रवाई पुलिस का काम है, पुलिस करेगा। अगर जो ये गलत काम है जो साथ देगा वो भी उतनी दूसरी कार होता है, समझ गया। हाँ मैं उसका बाप हूँ और मैं ये सब काम में बिल्कुल मैं साथ दिया नहीं हूँ, मैं सबका साथ दूंगा ना कुछ करूँगा ये सब चीज़ में नहीं, और जो ये गलत काम किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और हर माँ बाप को इसका साथ नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश रो जाल नोट कारोबार रे बाहर छिबे ओडिसा लिंक यूपी प्रयागराज मद्रासा रे चलितला जाल नोट कारोबार कारोबार रो मास्टरमाइंड जहीर खान रो घर हेउछि भद्रक जिला बासुदेवपुर थाना सुखदेवपुर तेबे सुखदेवपुर रो गाँव रो से बासिंदा बोली जना पड़ी। जहीर 7 वर्ष हेब प्रयागराज रहुतला आउ सेठारे एक मद्रासा रे मौलाना पाठ पढ़ुवा परिवार लोक सूचना देछन्ति। गत 8 दिन पूर्व पुओ जहीर को यूपी पुलिस गिरफ्त करथिबा फोन आसीथला बोली जहीर को बापा कहंति। ओ इलाहाबाद रे हेतला सेठी मद्रासा रे पढ़ुवा पाठ पढ़ुवा ऐसा तो कोई बात ऐसा हुआ नहीं है, जब भी आता है माँ के साथ में मुलाकात करके जाता है और थोड़ा पढ़ाई फढ़ाई में थोड़ा कमजोरी था बल्कि मैं उसके ऊपर मैं नाराज था, लगभग मैं उसको 7-8 महीने उसके हाथ में बातचीत भी नहीं करता हूँ, गुस्सा से मैं नहीं करता हूँ। तो पुलिस से अपन को संपर्क नहीं नहीं कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया कोई बोला नहीं। वकील लोग मेरे को वहाँ से फ़ोन करते हैं, एडवोकेट लोग फ़ोन करते हैं कि आपके लड़का को हम जो है ऐसा ऐसा रकम का हम उसको खलास कर देंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। एक खबर को नहीं बासुदेव पुलिस जहीर का बापा को डाकी पचरा उचरा कर जना पड़ी तेरे ए नहीं मध्य कौन कहते से मद्रासा रा अंतेवासी सुनंतु जन जन को कथा पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी लेकिन अभी एक जब से ये सब हुआ है ट्यूजडे से उससे उस दिन से लड़के जो हैं तो चले गए वहाँ बरेली उर्स में वापस, अभी न्यूज़ वगैरह देख करके या पेपर वगैरह देख करके अब जो है अभी तक 5-7-10 आए होंगे और वो भी जो है एक आध उसमें भी चले गए, जब होगा ठीक तब आएंगे। जी इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग की पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और जो पुलिस आ जा रही है तो वहाँ जो मेन ऑफिस है उसमें उन लोग आती जाती पूछताछ करती हैं और वगैरह वगैरह वीडियो बना के ले जाते हैं और ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं सब। देखिए कोई भी जांच आ रही है या मीडिया वाले आ रहे हैं तो उनसे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं पढ़ाई उसी तरह चल रही है और बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई भी जांच आती है तो ऑफिस में आती है और ऑफिस में जो पूछताछ किया जाता है उसका जवाब दिया जाता है। नहीं ऐसी कोई किताब यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है और वो किताब वो जो मास्टर माइंड जिसको अब्दुलज़ाहिर बता रहे हैं वो अगर रखता रहा हो तो उसके बारे में हमें इल्म नहीं, हमें पता नहीं है। तबे निश्चित भाव रे ओडिसा रो गोटिए पुओ यूपी रे एभली अपराधिक कार्यकलाप रे धरा पड़ीबा स्थानीय अंचल पई एक निंदार विषय पालटिछि। भद्रकरु सुभदीप मलिक को रिपोर्ट प्रदीप टीवी।